जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अगस्त से 8 अगस्त 2021 तक इंडियन नेवी के नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का पहला सी ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इन ट्रायल्स में आईएनएस विक्रांत कोचीन हार्बर से 4 अगस्त 2021 को निकलकर सी में गया और अपने सभी टेस्ट कंप्लीट करने के बाद 8 अगस्त 2021 को कोचीन हार्बर में वापस आ गया। आईएनएस विक्रांत इंडिया में आज तक बनाया हुआ सबसे बड़ा वॉरशिप है, जो कि अगले लगभग 40 से 50 सालों तक इंडियन नेवी की सर्विस में रहेगा। आईएनएस विक्रांत एक बहुत ही पावरफुल वॉरशिप है और ये इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी की बढ़ती हुई एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में मदद भी करेगा। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी के इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर अभी इंडियन नेवी के पास 45,500 टन का आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि रशिया में बनाया हुआ एक सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे इंडियन नेवी ने 2.3 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। वहीं चाइनीज नेवी के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें से एक रशिया का ही बनाया हुआ CV-16 यानी लावेनिंग और चाइना का बनाया हुआ नया CV-17 यानी शांगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा चाइनीज नेवी का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे अभी तक कोई भी नाम नहीं दिया गया है, का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है और जिसकी सैटेलाइट इमेज आप इजिली देख सकते हैं। इंडियन नेवी ने अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम इंडियन नेवी के पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर और 1971 वॉर के हीरो रहे आईएनएस विक्रांत के नाम पर रखा है, जो कि 1961 से 1997 तक इंडियन नेवी के सर्विस में था। आईएनएस विक्रांत को 1999 के कारगिल वॉर के बाद प्रोजेक्ट P-71 एयर डिफेंस शिप के नाम से अप्रूव किया गया था। 2003 में इंडियन नेवी के नए एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम को इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। 2006 में इसका नाम बदलकर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी IAC कर दिया गया था। आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन 2009 में शुरू हुआ था और नवंबर 2020 में इसके हार्बर और बेसिन ट्रायल्स कंप्लीट हुए। फाइनली 4 अगस्त 2021 को आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल्स शुरू हो गए। आईएनएस विक्रांत के सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन के बाद इंडिया दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो चुका है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। इससे पहले सिर्फ 5 देश यानी US, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की टेक्नोलॉजी थी। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन इंडियन नेवी के डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने बनाया है और आईएनएस विक्रांत को स्टेट ओन्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, बीम 62 मीटर्स और हाइट 59 मीटर्स है। आईएनएस विक्रांत में 14 डेक यानी फ्लोर्स हैं, जिसमें से 5 डेक्स इसके सुपर स्ट्रक्चर यानी आइलैंड में है, जिसमें एविएशन कंट्रोल फैसिलिटीज लगी होती हैं। आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा है कि इसमें 2300 कंपार्टमेंट्स हैं और इसमें एक साथ 196 ऑफिसर्स और 1449 सेलर्स रहेंगे, जिसमें एविएशन क्रू और पायलट्स भी शामिल हैं। इतनी ज्यादा फैसिलिटीज होने के चलते आईएनएस विक्रांत का लोडेड डिस्प्लेसमेंट लगभग 45,000 टन है, जो कि रशिया के बने हुए इंडियन नेवी के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि 45,500 टन के लगभग बराबर है। आईएनएस विक्रांत में अमेरिका के बने हुए 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 प्लस गैस टर्बाइन इंजन लगे हैं और इसमें 2 एलकॉन कोगैग गियरबॉक्स लगे हैं, जो कि इसे 30 नॉट्स यानी 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देते हैं। आईएनएस विक्रांत बिना रिफ्यूलिंग के एक बार में 8,000 नॉटिकल माइल्स यानी 15,000 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकता है। अब बात करते हैं आईएनएस विक्रांत के सेंसर्स की। आईएनएस विक्रांत का सबसे बड़ा सेंसर है, इसमें लगा एल्टा EL/M2248 MF स्टार मल्टीफंक्शन राडार। ये इसराइल का बना हुआ एक लॉन्ग रेंज AESA राडार है, जो कि लगभग 500 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट, UAV और शिप्स को देख सकता है। इसके साथ आईएनएस विक्रांत में इटालियन कंपनी लियोनार्डो का बना हुआ सेलेक्स RAN-40L 3 डायमेंशनल एल बैंड सर्च राडार लगा है, जो कि एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयर सर्विलांस एंड अर्ली वार्निंग राडार है और इस राडार की रेंज 400 किलोमीटर होती है। अब बात करते हैं आईएनएस विक्रांत के वेपन सिस्टम की। आईएनएस विक्रांत का सबसे बड़ा वेपन है इसका MiG-29 के नेवल फाइटर जेट्स और इसके हेलीकॉप्टर्स। आईएनएस विक्रांत एक साथ 24 से 26 MiG-29 के नेवल फाइटर्स को कैरी करता है। हर MiG-29 के नेवल फाइटर में एक ज्यूक MEAESA राडार लगा होता है, जिसकी रेंज 260 किलोमीटर होती है। MiG-29 के फाइटर जेट में 8 हार्ड पॉइंट्स होते हैं और ये एक साथ लगभग 5,000 किलोग्राम से ज्यादा वेपन्स लेके जा सकते हैं, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एंटी शिप मिसाइल्स लगी होती हैं। हर MiG-29 के फाइटर 1200 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लैंड या सी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आप MiG-29 के फाइटर पर और डिटेल्स चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इस पर अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। आईएनएस विक्रांत में एक साथ 10 हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए जाएंगे और इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत में 4 डिफरेंट टाइप्स के हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय करेगी। नंबर 1, रशिया का बना हुआ कामो के A-31 AVAC सिस्टम हेलीकॉप्टर्स, जो कि आईएनएस विक्रांत के लिए
लॉन्ग रेंज एयरबोर्न राडार का काम करेंगे और MiG-29 फाइटर के साथ अपना डेटा शेयर करेंगे। नंबर 2, अमेरिका का बना हुआ MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो कि एंटी सबमरीन ड्यूटीज में यूज किए जाएंगे। नंबर 3, ब्रिटेन के बने हुए वेस्टलाइन सी किंग हेलीकॉप्टर्स जो कि सर्च एंड रेस्क्यू और मार्कोस कमांडोज के ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाएंगे। नंबर 4, इंडिया के हाल द्वारा बनाए हुए नेवल ध्रुव Mark-3 हेलीकॉप्टर्स जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ड्यूटीज में यूज किए जाएंगे। MiG-29 के फाइटर्स और इन हेलीकॉप्टर्स के अलावा आईएनएस विक्रांत में सेल्फ डिफेंस के लिए 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली 64 Barak-8 सरफेस टू एयर मिसाइल लगाई गई है जो कि इसके पास आने वाले किसी भी एनिमी फाइटर और यूएवी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत में 4 ऑटोब्रेडा 76mm डुअल पर्पज गन्स और 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS लगाए गए हैं। ये दोनों वेपन आईएनएस विक्रांत के लास्ट डिफेंस है और इसके अलावा भी आईएनएस विक्रांत में इंडियन नेवी की लेटेस्ट रिमोट वेपन स्टेशन लगाए जाएंगे। इस पर और डिटेल्स के लिए आप हमारा रिमोट वेपन स्टेशन वाला वीडियो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आईएनएस विक्रांत में लगा हुआ 76% पार्ट्स इंडियन है और इसमें इंडिया की 550 कंपनीज के बनाए हुए पार्ट्स और मशीन्स लगाए गए हैं। आईएनएस विक्रांत में लगा हुआ 23,000 टन स्टील, 2500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल्स, 150 किलोमीटर से ज्यादा पाइप्स और 2000 वॉल्व्स सभी इंडिया में ही बनाए हुए हैं। यही नहीं, आईएनएस विक्रांत के एसी, रेफ्रिजरेटर्स और सभी एलसीडीज भी इंडिया में ही बनाई गई हैं। फ्यूचर में आईएनएस विक्रांत पर हाल का बनाया हुआ ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर यानी TEDBF भी डिप्लॉय किया जाएगा। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आईएनएस विक्रांत न सिर्फ इंडियन नेवी का सबसे बड़ा शिप होगा बल्कि ये इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की पावर को बढ़ा देगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाइनीज नेवी का तीसरा और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी रेडी होने वाला है और इसके अलावा चाइनीज नेवी को अगले 10 सालों में 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिल जाएंगे। लेकिन इंडियन नेवी के पास अभी सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य हैं जो कि चाइनीज नेवी की पावर से कम है और इसीलिए इंडियन नेवी अभी गवर्नमेंट से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव करने की डिमांड कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अप्रूवल इंडियन नेवी को जल्द से जल्द मिले। आपकी इंडिया के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।